बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी फ्यूचर की। हर इंसान अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है। अक्सर लोग अपने एस्ट्रोलॉजी चेक करते रहते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन टैरो कार्ड्स को चेक करते हैं, न्यूमरोलॉजी को देखते हैं, जायचे निकलवाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं लोग अपने वो जो कहते हैं ना, उनको लगता है कि जैसे पत्थर में लकीर है। लेकिन सबसे पहले तो एक बात जो मैं कहना चाहूँगी, और आज हमारे साथ हमारे प्यारे भाई अजीम भाई जो हैं वो भी होंगे, वो भी एक ही बात कहते हैं कि देखिए ये एक गाइडेंस होती है, ये पत्थर में लकीर बातें नहीं हैं, और ना ही हम इन चीज़ों को इस लेवल पे सीरियसली लेते हैं कि इंसान जो है अपनी हर मेजर लाइफ की डिसीजन इसी के ऊपर बेस करके ले। लेकिन क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि एस्ट्रोलॉजिकली हमें ये चीज़ बताएं, स्टार साइंस का बताएं, तो आज हमने फैसला किया कि रेस्ट ऑफ द ईयर की क्या सिचुएशन रहेगी वो हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो व्यूअर्स, किस्मत जो है उसके साथ कामयाबी का बहुत ही डीप ताल्लुक़ है, और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसका फ्यूचर जो है वो स्टेबल हो, सिक्योर हो, वो करोड़ों चीज़ें करे। लेकिन सिर्फ स्टार्स के ऊपर अपनी सारी ज़िंदगी बेस करना गलत इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि भाई तालीम हासिल करना भी इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ मेहनत करना भी इम्पॉर्टेंट है, अपने 100% एफ़र्ट्स करें, साथ में आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस मिल जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फॉर एग्जांपल, कभी कभी आपको ये गाइड किया जाता है कि थोड़ा सा हाथ हौला रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने काम की किसी मेजर सिचुएशन को बर्बाद कर दें। सो आपको गाइडेंस दी जाती है। शादी का फॉर एग्जांपल, लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे होते हैं, आपको ये गाइडेंस मिल जाती है कि अभी शादी का राइट टाइम नहीं है, 6 मंथ्स के बाद अगर आप कोशिश करेंगे तो बात डन हो जाएगी। सो इस किस्म की गाइडेंस हमें थोड़ा हेल्प आउट कर देती है। सो आज एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, और जहाँ हम सितारों की बात करेंगे वहाँ पे हमारी मुल्क की भी एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हमारे साथ होंगी, और हम आपको दिखाएंगे कि बाल कैसे कट किए जाते हैं आंखें बंद करके। जी हाँ, अगर आंखों पे पट्टी हो तो क्या हेयर कट हो सकता है, ये आज हम आपको ऑन एयर दिखाएंगे। और बल्ला खैर करे उससे अपाना हो जाए, लेकिन जहाँ तक हमें पता है जो खातून आज ये काम करने जा रही हैं अपनी बहनों के साथ, शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट, और बाकायदा आंखें बंद करके वो लोगों के बाल काटती हैं। शी इज़ सच एन एक्सपर्ट इन दिस डिपार्टमेंट। उसके साथ हमारी बहुत ही प्यारी बहन शेफ महजूबीन भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम महजूबीन। वालेकुम सलाम, कैसी हैं जुगन? बिल्कुल ठीक। कभी सुना है कि कोई अपने किसी के बाल आंखें बंद करके कट करे? वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग ना। तो अब ये देखते हैं कि होगा क्या। ऑन एयर हम 2 लोगों के बाल कट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये पॉसिबल है। आपको पता है ना, करिश्मे और कारनामे मॉर्निंग में जुगन पे अक्सर होते हैं। और आज आप क्या बनाएंगी किचन में? जुगन, आज हम एक झटपट कीमा बना रहे हैं, बारबेक्यू कीमा, और एक इसके साथ ड्रिंक बनाएंगे, मिंट लेमनेड। अमेजिंग, जिसको हम मिंट मार्गरीटा भी शायद कहते हैं। अमेजिंग। तो व्यूअर्स, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है और खाने की बात हो रही है, तो आजकल खाने की चीज़ें खरीदना कुछ मुश्किल होना हो गया है, और वो इसलिए क्योंकि दुकानदार जो हैं वो कीमतें बढ़ाते चले जा रहे हैं। A+ और पब्लिक न्यूज़ ने एक बहुत मेजर एफर्ट किया है, एक कैंपेन बाकायदा क्रिएट की। पिछले 1.5 महीने से हम इसको बार बार ऑनर कर रहे हैं कि प्लीज़ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि रब ताला ने ख़ुद फरमाया है कि तुम मेरे बंदों के लिए आसानी पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूँगा। सो ये जो हमारी बहुत ही प्यारी सी कैंपेन है, एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है उन सब शॉपकीपर से, उन सब लोगों से जो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं रमज़ानुल मुबारक में। प्लीज़ याद रखिए कि पूरी दुनिया में कीमतें रिड्यूस कर दी जाती हैं। जब क्रिसमस होती है, ईस्टर होती है, कोई भी बाहर का त्यौहार होता है, तो जब रमज़ानुल मुबारक जैसा इतना बाबरकत महीना आता है, तो क्या हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी प्राइसेस को रिड्यूस करें? तो ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट है शॉपकीपर से, रिटेलर्स वगैरह से, कि प्लीज़ कीमतों को अच्छे तरीके से मैनेज करें। आएँ उसको देखते हैं जो हमने कैंपेन तैयार की है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अजीम शेख हमारे साथ होंगे, और अजीम भाई से जानेंगे आपके सितारों का हाल। दुकानदार भाइयों, रमजानुल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं, अल्लाह से करें। ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है। तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहाँ की अक्लमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्ब करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपको लास्ट वीक हमने वादा किया था और मॉर्निंग में जुगन पे जो वादे किए जाते हैं वो पूरे ज़रूर होते हैं कि अज़ीम शेख से, अज़ीम भाई से हम पूछेंगे सारे स्टार्स का हाल कि नेक्स्ट पूरा साल कैसा रहेगा, यानी कि ये जो पूरा साल अब बाकी का रह गया है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आगे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम अज़ीम भाई। सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा अज़ीम भाई, हमने व्यूअर्स को एक वादा किया था, मैं चाहती हूँ कि हम अपनी कमिटमेंट को फौरन ही पूरा करें। बिल्कुल ठीक। शुरू करते हैं एरीज से। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अक्सर ऐसा होता है कि दिसंबर के एंड में, जनवरी के फर्स्ट वीक में लोग ये करके ख़त्म कर देते हैं और फिर सारा साल जो है लोग ऑनलाइन चेक करते रहते हैं कि क्या है। तो क्योंकि हमारा शो अपलोड भी होता है ऑनलाइन डिजिटली हमारे A+ के यूट्यूब चैनल पे, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। अज़ीम भाई ये बताइए कि एरीज क्योंकि चल भी एरीज का महीना रहा है, मार्च की 21 तारीख से अप्रैल की 19 तारीख तक एरीज का स्टार साइन होता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि हम ना स्टार्ट में दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी में बताते हैं। स्टार्ट ही वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी एरीज से स्टार्ट, एरीज से ही होता है, एरीज से पाइसेस तक। तो हम एरीज, मैं भी कोशिश यही करता हूं कि अपने चैनल पे मैं एरीज से स्टार्ट करूं और वहां से बताऊं कि एरीज से आपका पहले आगे जो सारे ज़ोडिएक साइंस हैं उनकी क्या पोजिशन चल रही है। अच्छा, एरीज से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एरीज को इस वक्त 2-3 चीज़ों का सामना है। एक तो उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं और दूसरा ये कि वो उनके जो सडन एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना, अनसीन हिडन एक्सपेंसेस, उन पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, एरीज नॉर्मली इस साल में जो मैं अगर साल का पूरा बता रहा हूँ तो ये है कि इस साल में बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल ख़ास तौर पर प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि ऐसे एरीज तकरीबन 50-60% एरीज हैं जो ट्रैवल का सोच रहे हैं, रिलीजियस ट्रैवल पे जाना चाह रहे हैं, स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, कारोबार बाहर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। उनको थोड़ी सी एहतियात ये करनी पड़ेगी कि जिस चीज़ में डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं उसमें थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। उसमें कोई भी ऐसा फेक डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इन्वॉल्व करनी पड़ेगी जिसमें कल को मसाइल का सामना हो। रिगार्डिंग हेल्थ वाइज और उनके लिए एरीज के लिए ख़ास तौर पर जो आने वाले महीने हैं ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये बड़े अच्छे हैं। यहाँ पर जाके चीज़ें मूवमेंट चेंज हो रही है, प्लैनेट्स की मूवमेंट बेहतर हो रही है। वहाँ जाके पॉजिटिव टाइम, जैसे आपने पहले इंट्रो में बताया कि हम सिर्फ एस्पेक्ट्स बता सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं थोड़ा सा, कि इस तरह गाइड कर सकते हैं कि ऐसे होने के इम्कानात हैं, ऐसे होने के चांसेस हैं। उस दौर में जो अच्छा दौर है, जो पॉजिटिव टाइम है, उसको यूज़ करें। जो नेगेटिव है उसमें थोड़ा स्लो हो जाएँ। अगर वहाँ पर लग रहा है कि आपको नेगेटिव चीज़ें हैं तो उसमें थोड़ा स्लो हो जाएँ। तो एरीज़ को इस वक्त थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा जो उनके आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये वाले महीने उनके अच्छे हैं। अच्छा, जून तक थोड़ा रिलैक्स करें। नंबर्स कौन से लकी हैं? जी, एरीज़ वालों के लिए नॉर्मल जब लोग कहते हैं ना 3 नंबर, उनके मार्स डील करता है इनके घर को, वेस्टर्न में 3 नंबर उसको डील करता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ क्योंकि इनके हमने ट्रांजिट का देखना होता है। ट्रांजिट में इसके जुपिटर और सैटर्न इनका बड़ा अच्छा चल रहा है इस वक्त, तो इनको 5 नंबर और 6 नंबर और 7 नंबर, ये सारे 3 नंबर सूट करते हैं, लेकिन मोस्टली 5 सूट करता है। तो इसलिए 5 नंबर से जो करें, 5वां महीना इसलिए मई का जो आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद 7 मंथ आएगा वो इम्पोर्टेंट है, 8वां इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ जाके पॉजिटिव चीज़ें जो इनके लिए होंगी वहाँ जाके काम ज़रूर करना चाहिए। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी डाइटरी हैबिट्स एरीज़ की, ख़ासतौर पर मार्स वालों की, एरीज़ और स्कॉर्पियन दोनों की डाइटरी हैबिट्स उस तरह की होती हैं, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा अपना केयर करना पड़ेगा। कोई भी इन्फेक्शन या कोई ऐसी चीज़, स्किन से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी एहतियात करनी पड़ेंगी इस पूरे साल में। ठीक है, टॉरस की तरफ आ जाते हैं, अप्रैल 20 टू मई 20। टॉरियंस की क्या कहा? टॉरियंस की इस वक्त कहानी सिर्फ यही है कि इस वक्त वो अपनी जगह चेंज करने के पूरे पोजिशन में, और इस साल में 2 चीज़ें इनके साथ बड़ी बेनिफिशियल है। एक तो फाइनेंशियल कंसर्न इनके बड़े अच्छे हो जाएंगे इस साल में, सबसे पहली बात ये है। और लेकिन जहाँ पे टोरियंस का अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है जून से, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन जून से बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है और उनको ट्रैवलिंग, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग का मौका मिलेगा विद इन कंट्री। और जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस साल में, वो ना ट्रैवल करें। अगर कोई चांस बनता भी है, आपको लग रहा है कि पॉजिटिव है, लेकिन मेरे मुताबिक तो मुझे ये लग रहा है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ी चीज़ें जो है ना मैनेज करनी पड़ेंगी। तो टॉरियंस को इस वक्त हेल्थ के कोई इश्यूज़ इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, बाकी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। फाइनेंशियल कंसर्न्स बेहतर हो रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ अपने एक्सपेंसेस पे भी कंट्रोल करें। बहुत सारे टॉरियंस की इस दफ़ा शादी के सीज़न है, उनका शादी का साल है कहते हैं, तो वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने उनके लिए बड़े अच्छे हैं। और जिन जिन की शादियाँ लेट हो रही हैं, अच्छा 4-5 ज़ोडिएक साइंस हैं जिनकी शादियाँ लेट हो रही हैं, हो गई हैं ऑलरेडी, और वहाँ पे जाके इस साल के एंड में उनकी शादियाँ होने के बहुत सारे चांसेस हैं। जो बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं ख़ासतौर पे उस कम्युनिटी के लिए जो टॉरियंस है, वो नया काम जो शुरू कर रहे हैं उसमें पार्टनरशिप इन्वॉल्व ना करें। ठीक है, लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि पार्टनरशिप इन्वॉल्व ना करें, खुद से करके देखें, स्मॉल स्केल पर कर लें, लेकिन ये है कि पार्टनरशिप पे ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि इनको अल्टीमेटली बाद में नुकसान होगा एंड में जाके इस साल के एंड में, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। हेल्थ वाइज कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अखराजात पे कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है। नंबर इनके ज़्यादा जो सूट करते हैं वो 2 नंबर भी सूट करता है, 4 नंबर इस वक्त इनके लिए सूटेबल है। 4 नंबर हालांकि वो एक नॉर्थन रोड का नंबर है, लेकिन ये कि लोग उसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझते, लेकिन 4 नंबर इस वक्त इनको सूट कर रहा है। और ये जो चौथा महीना अप्रैल का आ गया है, इसमें बहुत अच्छे आस्पेक्ट्स इनके लिए चल रहे हैं। अमेजिंग। और जेमिनी, May 21st टू June 20th, जनाब लकी नंबर्स, मंथ्स एंड जनरल। जेमिनी के लिए इस वक्त काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, थोड़ी सी नेगेटिव भी हैं। इनको कोशिश करना ये है कि अपने डोमेस्टिक अफेयर्स जो हैं उस पर तवज्जो दें। डोमेस्टिक अफेयर्स में वाइफ हस्बैंड के दरमियान जो है ना नचाकी हो सकती है, सिबलिंग्स के साथ हो सकती है, इसलिए अननेसेसरी डिबेट्स पे नहीं जाना होगा। थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने को, थोड़ा सा ना शेकी है अपनी चीज़ों में, कंफ्यूज रहते हैं जेमिनी, इस तरह छोटा ना कभी कभार हो जाते हैं कि वो ज़्यादा काम कर, जी डुअल साइन है, तो वो शेकी थोड़े से हो जाते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे आके ना कोशिश करने की जो सिबलिंग्स के साथ या विद इन फैमिली जो मैटर्स चल रहे हैं, और वेरी इंपॉर्टेंटली कि अगर आपका आउट ऑफ फैमिली हम किसको कहते हैं कि अगर आपकी शादी होगी तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे, वो आपकी फैमिली है। अगर आपके भाई हैं, बहन हैं, उनकी अपनी शादियां हो गई हैं, वहाँ पे वो सेकंड फैमिली आ जाती है। आपने उस फैमिली की किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं लेना। और इस वक्त जेमिनाइज को बहुत सारे चांसेस मिल रहे हैं कि उनको इम्पोज किया जा रहा है कि आप ये फैसला करवाएँ, ऐसी कोई चीज़ किसी भी मामले में फैमिली के किसी इशू में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंथ्स के वाले से अगर इनको बताया जाए तो लास्ट वाला जो मंथ है ना, अक्टूबर और नवंबर, वहाँ जाके चेंज ऑफ प्लेस कर रहे हैं, चेंज ऑफ जॉब कर रहे हैं, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फाइनेंशियल कंसर्न्स थोड़े से स्लो हैं, इतने ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे, अखराजात ज़्यादा होंगे। अच्छा, कैंसेरियंस, कैंसर को करके हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद मैंने आपको उन खातून से मिलाना है जो एक्चुअली बाल, आंखें बंद करके पट्टी बंधवा के काटते हैं, ये भी आपको भी हम दिखाएंगे करिश्मा। कैंसेरियंस की बारी है June 21st टू July 22nd। अच्छा, कैंसेरियन और जेमिनाइज के साथ साथ साइन है कसब पे है, तो उनके भी यही पोजीशन है थोड़ी सी। लेकिन ये है कि इस वक्त उनके लिए सबसे अच्छा टाइम जो स्टूडेंट्स हैं और जो प्रैक्टिकल फील्ड में भी हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए स्टडीज़ का बड़ा अच्छा दौर है। इस वक्त जुपिटर उनको बड़ा ही अच्छा सपोर्ट कर रहा है, एजुकेशन में, बिज़नेस में, फाइनेंशियल कंसर्न में चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। ख़ास तौर पे ये जो फरवरी से मंथ उनका स्टार्ट हुआ है ना कंसेरियंस का, अमेजिंग मंथ है, अमेजिंग सिनेरियो उनका, बहुत पॉजिटिव फेज़ है। जिनकी शादियां नहीं हुई हुई, रुकी हुई थी शादियां, उनकी शादियां होने के बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ कि ये साल 5-6 ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जिनकी शादियां लेट हो गई हैं, ये सेकंड मैरिजेस हैं, कोई डिवोर्स हो गई है, खुला हो गई है, ऐसा कोई मामला हो गए, उनके लिए 4-5 के लिए बड़ा अच्छा। मैं साथ साथ बताता जाऊँगा कैंसेरियंस के लिए इस वक्त फाइनेंशियल कंसर्न्स बड़े अच्छे हैं। नई सीट पे जा रहे हैं, नए डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, जो बिज़नेस में है, जो जॉब में है, ये सारे वो कर रहे हैं। हेल्थ वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी, ख़ासतौर पे मदर की हेल्थ का बहुत सारा ख्याल करें। ओके, मदर की और वाइफ की, जो मैरिड है उनको अपनी वाइफ की, और जो अनमैरिड है अपनी मदर का, या एल्डेस्ट फीमेल ऑफ फैमिली, सिस्टर बड़ी हो सकती हैं, उनकी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा इस वक्त जो आगे बंस आ रहे हैं। एंड हमने नंबर्स क्या बताए? नंबर इनका 3 नंबर इनको बड़ा सूट कर रहा है, मार्स का नंबर इनको सूट कर रहा है इस वक्त, क्योंकि मार्स ट्रांजिट में इनके साथ चल रहा है, जुपिटर इनके 7th में आया हुआ है, लेकिन वहाँ जाके इसीलिए शादियाँ इस वक्त होने के बहुत सारे चांसेस हैं। डन, ऑसम। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शैला लतीफ़ साहिबा और उनकी बहनें हमें ज्वाइन करेंगी। इनका सैलॉन है एक अमेजिंग सा जिसका नाम है डॉन ब्यूटी पार्लर, वो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी और उनके साथ तो मॉडल्स भी होंगी और उनके हेयर कट्स भी हम करेंगे ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जैसे कि आपसे वादा किया था डॉन ब्यूटी पार्लर से इस वक्त हेयर कटिंग करेंगी शैला लतीफ़ साहिबा, इनके साथ सफ़ीना लतीफ़ हैं इनकी बहन, वैसे तो इनके साथ शाजिया लतीफ़ भी होती हैं इनकी अदर सिस्टर, और जो ओन करती हैं सैलॉन को उनका नाम है रुबीना शफीक। सो आप आज बाल काटेंगे? जी जी। और विदाउट वो जो कहते हैं ना देखे बगैर काटेंगी, तो इनको अगर पट्टी पहनानी है तो पहना दीजिए। हमारे साथ जो आज मॉडल हैं उनका नाम है बुशरा राना। बुशरा की शक्ल ज़रा टेंशन वाली हुई है कि मेरे साथ होने क्या वाला है इस वक्त, लेकिन चले तो। और 10 कैंचियों से आप बाल काटेंगी, राइट? जी जी। अच्छा, ज़रा कैंचियाँ जो हैं वो हम दिखा दें। ये जो हैं, ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो यहाँ पे ये देखिए 10 कैंचियाँ जो हैं इनसे हम कटिंग करेंगे। ओके, चले तो फिर आ जाते हैं अपनी इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। और कितना टाइम लगेगा आपको? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट लगेंगे। चले इनकी आंखें अब हम बंद करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है ना कि देखे ना, वरना तो हेयर कट तो हर कोई कर लेता है। ओके, सो अच्छा जी, उनकी ना उनका साह ही आपने रोक दिया बेचारी का। हाँ हाँ जी, ये ले जी, अब ठीक है। ओके अच्छा, ये कितनी उंगलियां हैं? कितनी उंगलियां हैं? नो आइडिया। नो आइडिया। अच्छा ओके, चलो आ जाए। ओके ओके, बाल आ गए हाथ में जी। चले जी, योर यू स्टार्ट नाउ। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रोसेस है और हमने इनको ऑनलाइन बड़ा देखा है, बड़ी वायरल हुई हुई हैं ये इस मामले में और इनके सैलॉन में। और ये नहीं है कि सिर्फ मतलब ये हेयर कट करती हैं तो वो मतलब जैसे मर्जी बेहंगम सा हो जाता है, मतलब प्रॉपर हेयर कट एंड हेयर स्टाइल होता है। सो लेट्स सी कि वैसे मैंने तो दुनिया में कभी इस टाइप की चीज़ नहीं होते हुए देखी। ये प्रोसेस शुरू कैसे हुई, ये ज़्यादा एक क्यूरियस क्वेश्चन है। ये बस हमारा एक एनुअल फंक्शन होता है कॉलेज का, ब्यूटी आर्ट कॉलेज का, तो उन्होंने बोला कुछ डिफरेंट करके दिखाओ, क्या कर सकते हो? फिर हमने सोचा और फिर हमने कर दिया। मैंने बोला करते हैं, कह रहे हैं जी ब्लाइंड कट कर लेंगे। मैंने कहा जी कर लेंगे। तो ब्लाइंड कट तो मतलब ये तो देखने वाला काम है सारा, ये आपके सामने कर रहे हैं। अच्छा जी ओके, मुझे एक सीजन पकड़ा दे। करेंगी कैसा है कट? मैं स्टेप लेयर्स करूँगी इनके। ठीक है, हम विग ले देंगे अगर मसला पड़ा तो। सारी पकड़ा दे, एक्सप्रेशन देखने वाली की होता तो सारी पकड़ा दे, सारी पकड़ा दे। ज़्यादा ना काटना बाल शैला। 1 इंच ही कर रही हूँ, मैंने उसमें बोला था 1 इंच करेंगे बस। ये तो आपको कैसे पता है कि आप 1 इंच काट रही हैं? क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस किया और कर रही हूँ। अच्छा उसका ब्लो ड्राई करके विंगे चिपे हुए ना, तो मैंने आपको उस वक्त ही ठीक करने देने, मैं अभी बता रही हूँ। ये आपके सामने कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अच्छा जी, चले आप हेयर कटिंग करें। एक कैमरा यहाँ पे फिक्स रहेगा, हिलना नहीं है आपने, कहीं ये चेक ना करें और देखे ना। मैं तब तक जरा किचन में जाके मेजबीन से जान लेती हूँ कि वो बना क्या रही हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। साथ साथ आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली कैमरा है, चीटिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है ना, क्योंकि 15-20 मिनट की प्रोसेस है, तो तब तक हम ये बात कर लेते हैं। अच्छा जी, आज की रेसिपी जरा हमारे साथ शेयर करें। जुगन बारबेक्यू कीमा बना रहे हैं। देखिए रमज़ान में भी यही होता है कि झटपट सहरी के लिए कोई डिश बन जाए, तो हम कीमे को मैरिनेट करके रखेंगे आधा घंटा या घंटा, उसके बाद सहरी से आधा घंटा पहले भी इसको कुक करेंगे, ये दम में ही तैयार हो जाएगा। बहुत ईजी है। दही लेना है 1 कप, आपने उसमें जो है वो कीमा शामिल किया, मटन का, बीफ का या चिकन का, जो आपकी मर्जी हो। उसके बाद इसमें हम कचरी पाउडर शामिल करेंगे, उससे गलावट आ जाएगी। कचरी पाउडर क्या है, पपीते का जो पाउडर होता है वो मिलता है इजीली। 1 चम्मच वो डाला, उसके बाद नमक, सुरख मिर्च और जीरा हम इसमें रोस्टेड डालेंगे। ये देखें ना, ये दही में कुक हो रहा है, दही में। इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ नहीं जाएगी। 2 अदद प्याज आपने चॉप करके उसको घी में, और 1 चम्मच हम इसमें बटर शामिल करेंगे। उसके बाद लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करेंगे और ये मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल करेंगे और इसको हम दम पे छोड़ देंगे। उसके बाद 1 अदद कोयला जो है उसका हम इसको स्मोक दे देंगे, पराठे के साथ, रोटी के साथ। इवन अगर आप डाइट पे भी हैं तो इसमें फिर आप बटर ना डालें, लेकिन जब आप स्मोक देंगे तो प्लीज़ किसी सलाद के पत्ते पे या प्याज के ऊपर रख के कोयला रखिएगा। लोग डायरेक्टली डाल देते हैं, ये ना किया करें, वो बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि कोयला एक्चुअली तो पॉइजनस होता है ना। बिल्कुल, ऐसे किसी रोटी के टुकड़े पे आप रख सकते हैं, फॉइल पे इवन रख सकते हैं आप, बट डायरेक्ट नहीं खाने के ऊपर रखना। उसके बाद गरम मसाला डालेंगे और इसको हम जुगन गरम गरम जो है वो सर्व कर देंगे। बिल्कुल सही, ओके। और ड्रिंक जो हम बना रहे हैं उसकी रेसिपी मैं थोड़ी देर में आपसे आके लूँगी। मैंने कहा आप अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दें, जरा मैं देखूँ कि बालों की सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है। क्या मुझे ये, तो मुझे बिल्कुल लॉजिक नहीं समझ आ रही इस तरह आँखें बंद करके बाल काटने की। वैसे अभी तक तो ठीक ही लग रहे हैं, ठीक ही है, बुरा हाल नहीं हुआ अभी, टेंशन ना लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टेंट करानी पड़ेगी, हम टेंट करा देंगे, बिग बना देंगे, टेंशन की क्या बात है, आजकल तो सब मिलते हैं, ठीक है ना। शक्ल देखो तुझारी की, एक्सप्रेशन टेंशन वाली हंसी, टेंशन वाली जो हंसी नहीं होती। मेरा तो चल जा रहा है, अजीम भाई के भी बाल कटवाए हम, मेरे तो बहुत अभी तक वैसे 1-1 इंच ही कट रहे हैं। आप जमीन पे देख रहे हैं बाल पड़े हुए व्यूअर्स, 1 इंच ही कट रहे हैं, इट्स नॉट के ज्यादा कट रहे हैं। वैसे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको टेंशन दूं कि सारे बाल ही कट गए, टिंड हो गई है। अच्छा, जो हम आ रही हैं इनकी भी आंखों में पट्टी बांधो, इनको पता ही ना लगे क्या हो रहा है। अच्छा एक बात बताएं, इनके बाल बहुत ड्राई हैं, थोड़ा सा ये भी टिप बता दें कि ड्राई बालों के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आई नो कि आप प्रॉब्ली हेयर ट्रीटमेंट तो अपना वो कराते हो, डाई वगैरह कराते हो ना, और वो स्ट्रिकिंग वगैरह कराते हो, केराटिन वगैरह कराए, तो ये जब ड्राई बाल हो जाते हैं उसका भी कोई हल बता दो यार। हाँ जी, ड्राई डैमेज बालों के लिए आप ट्रीटमेंट लेते हैं, हेयर मास्क यूज़ करते हैं, सिरम्स होते हैं डिफरेंट, तो जब आप ये सारी प्रोसेस करते हैं तो सही हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हम इनका ये वाला हेयर कट कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट हेयर कट करना है वो किस किस्म का है, वो शॉर्ट हेयर है, वो लॉन्ग हेयर पे होगा, वो भी लॉन्ग हेयर पे होगा। हाँ जी, वो लॉन्ग नहीं है। इतनी कैंचियों को यूज़ करने का क्या सेंस है? वो बस मैं बोला ना कि सर ने बोला कि कुछ करो, डिफरेंट सोचो, क्या कर सकती हो, ऑन स्टेज करना है आपने, क्या करोगे? तो मैंने कहा आप बताएं आप क्या करेंगे, अरे ब्लाइंड हेयर कट कर लो, इतनी कैंचियों के साथ कर लोगे? मैंने कहा जी ठीक है, कर लेंगे, ओके। तो फिर हमने प्रैक्टिस की और फिर हमने कर दिया। वाओ, ओके, हेयर कट जारी है और ये जारी रहेगा। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि कहाँ सिचुएशन खड़ी है और हमारी बच्ची के सर पे कोई बाल बचते भी हैं कि नहीं। ब्रेक के बाद कुछ हो रहा है तो नहीं आ रही, वो जिधर कैंची जा रही है मैं इस तरह घूमती जा रही हूँ कि मुझे कैंची ना लग जाए। कभी ऐसे हुआ है कि खुद कैंची लग गई हो या किसी को लगी हो? झूठा बोलना, किसी को नहीं लगी, मेरे एक दफा लग गई थी। एक दफा लग गई थी। और कब से कर रहे हो अब आप ये? ये तकरीबन 6-7 ईयर्स हो गए ब्लाइंड कट करते हुए। अच्छा, अदरवाइज काम करते हुए काफी टाइम हो गया। इतने बाल काटती है तुम्हारे सारे, बिल्कुल टिंड वाला हाल हो गया। ओके, वैसे बाय द वे ये व्यूअर्स अगर आप देख सकते हैं, अभी इनका ब्लो ड्राई भी करेंगे तो आप देखना, ये देखें एक्चुअली लेयर्स में बाल कटे हुए हैं, ये देखें, और प्रॉपर लेयर्स बने हुए हैं। इंटरेस्टिंग, नॉट बैड। अच्छा ओके चले, आप अब अपना कंप्लीट करें। आपका हेयर कट में कितना टाइम है? बस फिनिश हो गया, फिनिश हो गया आपका। सेटिंग करूंगी, स्टाइलिंग करूंगी। आप अब इसकी इनकी सेटिंग और स्टाइलिंग करें। हम बिल्कुल फाइनल लुक अभी आपको कुछ ही देर में व्यूअर्स दिखाएंगे। आए बाकी के सितारों का हाल जानते हैं जब अज़ीम भाई हमारे साथ हैं। ओके ओके काम हम कराते हैं, बट बाय द वे अगर आपने भी जाके अपनी आंखों से जाके फिजिकली देखना है तो डॉन ब्यूटी पार्लर आप जाके कर सकते हैं। लाइक आई सेड दी ओनर इज़ रुबीना शफीक। अभी जो बाल काट रही हैं वो शैला लतीफ़ है। सफ़ीना लतीफ़ और शाजिया लतीफ़ भी बहनें साथ में काम करती हैं। चार बहनों का एक ये एफर्ट है और इस वक्त बाल कट रहे हैं बुशरा राना के। ओके सो अज़ीम भाई ये तो हो ही रहा है। हाँ जी। अगले सितारे की तरफ चलते हैं, लियो की तरफ। अब लियो की बात आ गई। लियो की डेट है जुलाई 23 से लेके अगस्त 22। जनाब लियोज जो हैं वो इस वक्त बड़े अच्छे फेज में जा रहे हैं और इस वक्त ख़ास तौर पे उनकी प्रमोशंस का टाइम है। ठीक है। जो लियोज ख़ास तौर पे ना, लियोज जो है ना ये ज़्यादा सरकारी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंटल इशूज़ में, सियासत में, पॉलिटिक्स में, बाकी से सारी चीज़ों में बड़े इन्वॉल्व रहते हैं। तो इनका वो बड़ा अच्छा टाइम इस तरह चल रहा है कि इनको इस वक्त चांसेस मिल रहे हैं प्रमोशंस के। प्रमोशंस, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट, हायर सीट्स पे जा रहे हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं वो बड़े अच्छे फेम के साथ आगे आ रहे हैं। वैसे आजकल पॉलिटिशियंस जो हैं वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं हो रहे, लेकिन ये है कि ये जो लियोज पॉलिटिशियंस हैं उनको खासा फेम मिलने का चांसेस है और दोबारा पार्टीज चेंज करके नई जगह पर जाने का ये सारे टाइम इनका चल रहे हैं। और ओवरऑल जो बिज़नेस कर रहे हैं लियोज़ उनके लिए अच्छा टाइम है इस पर। ख़ास तौर पे जो उनका अगस्त और सितंबर आ रहा है जो उनका अपना मंथ है, वहाँ जाके चीज़ें बहुत सारी पॉजिटिव हो रही हैं, बहुत सारी पॉजिटिव हो रही हैं। फाइनेंशियल गेंस वहाँ पे होंगे, पैसे वैसे आने के। और ख़ास तौर पे जो पैसे डूबे हुए हैं, को रकमें किसी को दिए हुए थे, उधार दिए हुए थे, वो वापस आने के बहुत सारे चांसेस हैं। इससे खुश होना चाहिए। हैरान कुन बात है वैसे, उधार दिए हुए पैसे कम ही वापस आते हैं। हाँ कम ही वापस आते हैं। लेकिन अच्छा नंबर इनको जो सूट कर रहा है वो इस वक्त सूट कर रहा है 7 और 8। 7 और 8 और 7-8 मंथ भी इनके लिए बड़ा अच्छा चल रहा है। वर्गो की बात करते हैं। वर्गो इज 23 अगस्त से लेके 22 सितम्बर तक। सही है राइट। वर्गोज जो इस वक्त थोड़े से जो परेशान थे पिछले 5-6 महीने से, जो सारी चीज़ें चल रही थी। जैसे ही इनका मार्च स्टार्ट हुआ है ना, और मार्च से इनको चीज़ें होपफुल नज़र आना शुरू हो गई हैं काफ़ी सारी। लेकिन इनको असल रिस्पांस मिलेगा जाके कोई मई के एंड में, जाके मई का एंड और जून के मिड तक बड़े अच्छे चांसेस हैं। वहाँ पर प्रपोजल्स आने के, शादियाँ बहुत सारी वर्गोज की रुकी हुई थी, उनकी शादियाँ होने के बहुत सारे चांसेस हैं। लेट मैरिजेस बहुत से वर्गोज की, बहुत सारे वर्गोज, फ़र्क और अलग अलग शादियाँ होंगी, ये कि आपस में हो जाए तो वर्गोज की शादियाँ होने के चांसेस है। अच्छा उसके बाद सर एक मिनट, बाल भी देखे बगैर बनाएंगे जी? अच्छा। लो जी बाल भी आंखें बंद होके बनेंगे। चले आप बनाएं इसी तरह जैसे आप बना रही हैं। इस्त्री ना लगा देना वो जिसको आयन हम कहते हैं। अच्छा हो जी, वाह जी वाह, तो बाकायदा एक्सपर्ट काम हो रहा है। हम आंखें खोल के नहीं पूरा काम कर पाते, वो आंखें बंद करके वो काम कर रही हैं जो हमने कभी देखे नहीं है। चले लेट्स सी। ओके कंटिन्यूइंग। हाँ जी वर्कर्स के लिए बता रहा था कि उनके लिए मंथ्स जो अच्छे आ रहे हैं ना उस वक्त वो आ रहे हैं अक्टूबर और नवंबर के। खास तौर पे वहाँ जाके अभी जो काम शुरू हो रहे हैं वहाँ जाके बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी और रिस्पॉन्स मिलेंगे। फाइनेंशियल गेंस भी, जैसे मैंने पहले बताया कि शादियों का सीज़न है, बहुत सारे जोडियक के लिए शादियों का साल है। तो शादी इस साल में वर्गोज, बहुत सारे वर्गोज की भी होने के बहुत सारे इम्कान हैं। तो वहाँ जाके चीज़ें ठीक करनी चाहिए, अपनी पॉजिटिव टाइम को अवेल करना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव टाइम को अवेल करना चाहिए। अभी ये जुलाई अगस्त तक थोड़ा सा न्यूट्रल है, बल्कि थोड़ा सा नेगेटिव है। तो इसमें थोड़ा सा कूल एंड काम रह के आगे चलें। जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं उसी को करते जाएँ। अक्टूबर के बाद जाके डिसीजन लें। बिल्कुल सही। हाँ और फाइनली अब आ जाते हैं लिब्रा की तरफ, जो हमेशा ही पैसों की तरफ से तंग होते हैं। नहीं हर वक्त लिब्रा का रोना ही चल रहा था, पैसे नहीं है। बहुत सारे लिब्रल्स जो ना जानबूझ के भी करते हैं। सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 तक। हाँ जी नहीं, फाइनेंशियल कंसर्न इतने ज्यादा खराब नहीं है जितना ये। आपने वर्गों का नंबर बताया था? वर्गों का नंबर नहीं मैंने बताया, वर्गों का नंबर इनको नंबर 1 और नंबर 3 ठीक है बहुत ज्यादा सूट कर। अब आ जाते हैं लिब्रा की तरफ, लिब्रल्स की तरफ आ जाते हैं। लिब्रल्स वैसे एज ऑलवेज वो यही कहेंगे कि हमारा बिल्कुल हालात ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंसर्न्स बहुत सारे ख़राब हैं, पैसे नहीं आ रहे होते हैं इनके पास, जान के नहीं बताते। अच्छा थोड़ा सा ना फैंटिसाइज करते हैं चीज़ों को, क्योंकि अगर उनको मिसाल एक देता हूँ कि अगर 1 लाख आना होता ना, अगर उनको 95,000 आते हैं ना, वो कहते हैं पैसे कम आए। तो वो इसलिए थोड़ा सा उसको मैनेज करें अपनी चीज़ों को। अखराजात इस साल में बहुत सारे होने के चांसेस हैं। जो लिब्रेंस कारोबार कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके नए वेंचर्स, नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। जुलाई का महीना और अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़ोर दे के कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे नए वेंचर्स, नई चीज़ें, बच्चों के रिश्ते, जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ना चाह रहे हैं उनकी नई एजुकेशन, नई जगह पे फॉरेन ट्रैवल, ये सारी चीज़ें जुलाई और अगस्त के महीने से स्टार्ट हो रही हैं। और इस पूरे साल में जुलाई अगस्त से जो स्टार्ट होगा टाइम, बेहतरीन पॉजिटिव फेज़ है, उसको अवेल करें। नंबर इनको ज़्यादा जो सूट करता है वो 9 नंबर सूट करता है और 4 नंबर थोड़ा सा सूट करता है, लेकिन 9 नंबर उनका अपना नंबर है और अनबीटेबल है, तो इसलिए उस नंबर को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। डन है। और फाइनली स्कॉर्पियो का कर लेते हैं, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद जब सितारों की बात करें तो हमारे मुल्क की एक सुपरस्टार हमें ज्वाइन करने जा रही हैं, जिनका नया गाना निकला है दिल मोड़ दे, और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग जा रहा है, वायरल सॉन्ग है ये। हाँ यस। बट और उसमें 2 टिकटॉक स्टार्स भी हैं, सुपर स्टार्स हैं, बल्कि उनमें से एक तो फिल्म स्टार भी हैं, तो उस पर बात करेंगे और उनके सॉन्ग से ही वापस आएंगे। लेकिन उससे पहले स्कॉर्पियो का बता दो, अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 21 स्कॉर्पियो इस वक्त फिर वो मैंने जैसे पहले बात की थी, उसके थोड़ा सा अपने गुस्से की वजह से इस साल में अपने नुकसान करने के बहुत सारे चांसेस हैं उन्होंने। जगह ना चेंज करें, सबसे पहला मशवरा ये है कि जगह ना चेंज करें, जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे रहें, जो चीज़ कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व रहें। अभी कोई जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उससे हटें मत, उसको बिल्कुल छोड़ें मत। कम से कम आपको अक्टूबर नवंबर तक इस चीज़ को नहीं छोड़ना। जैसे ही आपका नवंबर का मंथ आएगा, वहाँ आप जाके नई जगह पे, नई प्रमोशन पे, नई सीट पे, नए बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपके लिए प्रोडक्टिव मंथ इस पूरे साल में सिर्फ 11वां और 12वां। ठीक है। अभी आपने न्यूट्रल जिस तरह चल रही है चीज़ें, उस तरह चलते रहें, वहीं पर जहाँ पर आप हैं वो गुजारा करें, वहाँ पर जिस तरह के भी हैं। फाइनेंशियल कंसर्न इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आप अपने गुस्से की वजह से काम ख़राब कर लें तो वो फिर आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि इनको नंबर कौन सा सूट करता है? इनको नंबर अपने वाला नंबर 3 नंबर इनको ज़्यादा सूट करता है, और इनको बहुत ज़्यादा इस वक्त जो सूटेबल रहेगा वो 7 नंबर सूट रहेगा, मरकरी का नंबर। अमेजिंग। हाँ। अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मुल्क की सुपरस्टार, एक ऐसी ब्रिलियंट आर्टिस्ट जो किसी भी किस्म का, चाहे आप उनसे सूफी सॉन्ग गवा लें, चाहे उनसे पॉप सिंगा लें, चाहे फोक उन्हें गाने को कहें, शी इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, हमारे शी इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन, शाजिया मंजूर साहिबा हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेगी। एब्सोल्युटली अमेजिंग। शाजो आओ मेरी जान, ये बताइए, अच्छा अजीम भाई से मुलाकात है, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप बताइए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भी उधर मुलाकात कराती, लेकिन उनको तो नजर ही नहीं आ रहा, तो क्या मैं आपको आंखों के बगैर आप ठीक है? वो अभी तक तो खुश है, अभी हम देखना चाह रही हैं, देख लें। नहीं वो देख सकती, अभी वो अभी उन्होंने पूरा हेयर स्टाइल बनाने देखे बगैर। शाजो तेरे साथ भी ऐसे ही करे? अच्छा ओके, कभी तो गाल ना माने। अच्छा मुझे गाने का, मुझे इस गाने का बताओ, मुझे इस गाने का बताओ। ये मतलब जन्नत मिर्जा एंड उमर के साथ आपने शूट किया, टेल मी अबाउट दिस होल सॉन्ग, वी आर वेरी एक्साइटेड। वायरल हो गया माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। लुक भी तुम्हारी चेंज है इसमें, शुक्र है, कोशिश शुक्र है। नहीं मतलब बिल्कुल ही बॉदर नहीं करती है अजीम भाई, मतलब अपने सॉन्ग्स के लिए अक्सर मुझे लगता है कि मतलब तैयारी कोई मतलब अपनी भी लुक सिर्फ अपने मॉडल्स में तुम एफर्ट करती हो। इसमें तो मैंने बाल लंबे कर रखे थे, मैंने ब्लैक सूट पहने, पता नहीं क्या क्या, घर के बैठी हुई हूँ जी, आप पूरी गर्ल बनी हुई है। तो गर्ल टाइप माहौल था। ये प्रोजेक्ट हमने 2 साल पहले यार शुरू किया था, और जिब्रान बेसिकली उसका आइडिया था, ब्यान रेकर्ड्स, और अरबाज ने इसको कंपोज किया। तो 12 गाने, एक्सेप्शनल 12 इस एल्बम का नाम है, 12 गाने, अभी एक आया और 11 आने। तो जब भी पहले गाने की बात होती थी ना, तो हम यही कहते थे कि पहले इसको रिलीज़ करेंगे, हालांकि सैड सॉन्ग है। तो मेरा ऐसा मानना है जैसे आजा सोने, ये सैड सॉन्ग है तो लोग सुनते हैं, तो वहाँ से मुझे लगता है कि कैची है, निकल जाएगा। फिर जन्नत से बात हुई, फिर उमर से बात हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हम प्रोजेक्ट इसको, इसमें लोग शामिल होते गए, ये बड़ा होता गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सबसे पहली बात ये कि लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, ये मेरा एक कम बैक, एक नया गाना। उस बीच में कुछ गायब हुई भी थी, वो मैं तुम्हें पता है, हाँ, मैं खुद करती हूँ। शौक के लिए काम करना और चीज़ होता है जुगन, और अगर काम करते चले जाओ तो फिर बंदा कहीं ना वो कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड भी हो जाता है, ठीक है ये करता है। ओवर एक्सपोजर के यही तो नुकसान होते हैं। फ़ायदा ये होता है कि उस वक्त तो आप एकदम से एक के बाद दूसरी चीज़, बट देन टू मच, जिस तरह एस्ट्रोलॉजी में भी ये होता है, एक एस्ट्रोलॉजर जब 10 इदारों में 10 चैनल्स पे जाके बैठता है तो फिर उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। बिल्कुल सो होस्ट भी अगर 50 चैनल्स पे होस्टिंग कर रहा है तो फिर उसकी भी वैल्यू नहीं रहती। सिंगर का भी यही है, ऐसे ही है। अब जैसे आपने बात की, अब 1 हफ्ते के लिए अगर आप गाना मार्केट में लेके आते हैं, लेकिन वो ओवर एक्सपोजर का हमें कहीं ना कहीं फायदा इस तरह हो जाता है कि अच्छा गाना जो होता है वो कहीं स्टे कर जाता है और वो प्रोलॉन्ग कर जाता है। तो ये 4 दिन में इसके 4 मिलियन व्यूज 4 डेज में आए जब हमने इसको रिलीज किया। अभी तो माशाल्लाह 5 क्रॉस काफी ज्यादा हो गए, अब तो क्रॉस कर गया। तो वो लोगों ने इसको पसंद किया, ट्रेंड था, और टिकटॉकर्स भी थे, उन लोगों ने भी अच्छा परफॉर्म किया। जन्नत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अभी उसके हमने बहुत अच्छी खूबसूरत लॉन्च भी की थी। दूसरा गाना हम आपके पास ही आके लॉन्च करेंगे। जन्नत की तो मूवी भी इंशाल्लाह जल्द आ रही है सैयद नूर साहब। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, और मुझे खुशी इस बात की है कि वो टिकटॉक से हमने उसको उठाया। वो तो अल्लाह जानता है कि उसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है, अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं। तो बेहतर ये है कि अब फील्ड में आना शुरू हो गए हैं लोग इस तरफ से, इस तरफ से। पता है यार देखो, एक ज़माना होता था कि आपके पास एक ही एवेन्यू होता था, PTV, वहाँ से आप अपने आप को लॉन्च करते थे या मूवीज़ के थ्रू, एंड दैट वाज इट। और हर बंदे की वहाँ पे पहुँच भी नहीं थी, सकत भी नहीं थी, और इतना ज़्यादा टैलेंट पूरी दुनिया में बैठा हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। अब आप लोगों को एक्सेस कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कितनी प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। और सबसे बड़ी बात, इस टूल को आप अगर बहुत समझदारी से इस्तेमाल करें सोशल मीडिया, तो ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। अगर आप इसको एम ही नाकाम सी वीडियो बना के मीठी सी हल्की फुल्की सी एम ही, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म सारा सेटअप है। सही, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको जरा हम ड्रिंक भी पिलाएंगे, मिंट मार्गरेटा टाइप, मिंट लेमनेड। और उसके मुझे मेरी बात सुनो, मैंने वहाँ जाना नहीं, वहाँ नहीं जाना, आराम से यहाँ पे बैठो। अच्छा बाल वहाँ पे कट रहे हैं आप? सर मैं एरीज हूँ, मैंने नहीं अभी हमने एरीज का बता तो दिया, लेकिन हम करेंगे ये कि आपकी किस्मत का हाल, शाजिया मंजूर की किस्मत का हाल ब्रेक के बाद बताएंगे, आपके प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ और इन्फॉर्मेशन के साथ। वो अभी ब्रेक में आप है ना, ऐसे लगता है कुछ डॉक्टर कहने लगा तुम्हारा ऑपरेशन जो है ब्रेक के बाद हम करने वाले हैं, तुमने तैयार रहना है। जो उन्होंने कहा है हम वही करने लगे, ब्रेक के बाद इनका ऑपरेशन करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। फ्रॉम द ब्रेक हम बना रहे हैं बहुत ही डिफरेंट सी मिंट लेमनेड। हाँ, तो इसमें सबसे पहले जुगन हम डालेंगे एक गिलास ठंडा पानी, थोड़ी सी बर्फ़, थोड़ा सा सॉल्ट 1/4 टीस्पून और उसके बाद पुदीना अच्छी तरह वॉश करके आपने वो डाला। ऑरेंज जूस डाल दें या ऑरेंज पाउडर 1 चम्मच डाल दें, इसमें 1 चम्मच चीनी का और 1 वाइट जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक डालेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। खूब ठंडा करके हम इसको सर्व करेंगे। ये बहुत रिफ़्रेशिंग है, गर्मी के मौसम में दिल करता है और ये आपको बहुत जो है वो रिफ़्रेशिंग कर देगा। ये जी हमारी बहुत ही मज़े की रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक तैयार हो गई जो हम अपने गेस्ट को ऑन द स्पॉट ऑफ कोर्स सर्व करेंगे, क्योंकि कोशिश हमारी यही होती है कि ऑन द स्पॉट ही चीज़ें होती रहें। तो देयर यू गो। आइए जी अपने गेस्ट को सर्व करते हैं। इस दौरान जब तक हम ये कर रहे थे हमने किस्मत का जो हाल है वो जानना है। एल हार्ड लगता मुझे, ऐसा लगता है पीछे से कुछ गिरा है। भैया तुम्हारे साथ है एल एफ हार्ड, तो उधर है वो एल एफ हार्ड। अच्छा जी, इनके हमने हमें ये तो पता है कि आप एरीज हैं और आप मार्च की पैदाइश हैं, राइट। अब इनका क्या फ्यूचर है इस लड़की नुमा लड़की का? लड़की नुमा टाइप लड़की का, इस लड़का नुमा लड़की। लास्ट टाइम हमने इसी प्रोग्राम में आपके साथ किया था और हमने आपको बताया था कि इस साल आपका फॉरेन ट्रैवल बहुत ज़्यादा। थैंक यू सर, आप मुझे अच्छी तरह याद है ना। थोड़ा सा बढ़ा के करें ना, थोड़ा सा बढ़ा लग रहा है, ज़्यादा कर दो, ज़्यादा कर दो। फॉरेन ट्रैवल इतनी करते हैं, मैं जहाज़ में रहूँ। तुम लोग शो पे मेरा वेट करते हो, मैं ऊपर ट्रैवलिंग ही करती हूँ। शदीद अनप्रोफेशनल बात, शदीद अनप्रोफेशनल बात। ट्रैवलिंग आपने करनी है, आपके शोज, आपका वर्ल्ड टूर आपने बताया था जो भी। जी जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा चल रहा है। आपको 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंटली आपकी लाइफ में, एरीज में इम्पोर्टेंटली आपके जो हॉरोस्कोप है उसके हवाले से कि आपको ट्रैवल का चांस तो मिल ही रहा है, नए कोलेबोरेशंस आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं। लास्ट टाइम भी कहा, और एक और जो मैंने उस वक्त नहीं बताई थी, अब आपको बता रहा हूँ। इस साल आपके एसेट्स बनाने का टाइम है, आपको कोई अच्छा सा एसेट बन रहा है आपका। मैं खुदा ना खासा कुछ बना ही ना ले, वीरान करने की तो शैतान नहीं है। आपका एसेट दोस्त है ना मेरी, मुझे पता है इसके पास 10 रुपए आएंगे, ये 12 खर्च कर देगी शहजादी। अच्छा ये नहीं बताया अभी उन्होंने आपको, इस साल आप अच्छा सा एसेट ले रहे हैं, आपको मुबारक होगा इंशाल्लाह और बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। फाइनेंशियल साइड से आपका ईयर सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन उसके साथ साथ आपने 2 चीज़ों का बड़ा ख्याल करना है। इस साल में आप जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं आपको 2-3 चीज़ों का सामना होगा। एक आपको थोड़ा से हेल्थ इश्यूज़, जिसमें अल्लाह करे आपका गला ना ख़राब हो, नहीं होगा उससे नहीं होगा। लेकिन और कोई चीज़, और अपने लगेज का, अपने मोबाइल फ़ोन्स का, बाकी चीज़ों का आपने बहुत सारा ख्याल करना। ठीक है, मुझे ये बताएं, कुछ लोगों ने मुझे भी जूस बना के दिया, कुछ मिला तो नहीं दिया होगा? जहर जहर मैं जहर है कि प्यार है तुम्हारा ये जूस, ये वो वाला प्यार वाला जहर, प्यार वाला जहर। छेती चीजें तैयार करके आपको सर्व कर रहे हैं और आगे से आपकी एटीट्यूड को देखे चलो यार अगले सितारे पे चलते हैं, सैजिटेरियस पे, क्योंकि उसके बाद कैप्रिकॉर्न की बारी है। तो मैं चाहती हूँ मुझे 11 जुलाई मुझे कैंसर के बारे में पता करना है, मेरी फ्रेंड है, नहीं वो भी हो चुका है। सेजिटेरियस की तरफ चलते हैं। अपने स्टार नवंबर की 22 तारीख आपसे ना प्रोग्राम के बाद पूछा। हाँ, सेजिटेरियंस November 22nd to December 21st। इनका फ्यूचर बताएं। सेजिटेरियंस इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी हाइप में जा रहे हैं, नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, नई जगह पे जा रहे हैं और फॉरेन ट्रैवलिंग इनकी भी बन रही है। मेरा वजह सेजिटेरियस और फॉरेन ट्रैवल इस साल बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। सेजिटेरियंस के साथ उनका बताने तो यार बेचारे वेट कर रहे थे। ब्रेक के बाद इसे गाना सुनेंगे, इसको बिजी करेंगे। हाँ। उसमें ये है कि इनकी भी ट्रैवलिंग का सीन बहुत सारा चल रहा है। एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनकी पढ़ाई ऑब्स्ट्रक्ट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, रुक गई थी, वो दोबारा पढ़ाई पे जा रहे हैं, दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं, दोबारा स्टडीज़ अपनी स्टार्ट कर रहे हैं और हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं करना चाह रहे हैं, उनका ये बड़ा अच्छा टाइम है। ख़ासतौर से जो जून से ऑनवर्ड टाइम इनका आ रहा है ना, वहाँ जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हैं और वहाँ जाके चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही हैं। नंबर इनको सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सूट कर रहे हैं वो 5 नंबर इनको बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है और 7 नंबर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। नहीं, मेरा क्यों नहीं नंबर बताया आपने? आपका नंबर बता देते हैं। एरीज का क्या नंबर है? एरीज का इस वक्त मैंने पहले ही बताया था कि ओवरऑल ये कि आपको जो सूट कर रहा है वो आपको 5 नंबर और 4 नंबर। वाह, पाँच नंबर मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि पंजतन पाक का नंबर है और ऑलवेज बेहतरीन होता है। अच्छा, अब मैंने ना जरा हेयर कट की तरफ जाने केप्रिकॉन की बारी है, मेरी बारी है, लेकिन जल्दी से हेयर कट देख लेते हैं। हेयर कट के बाद क्योंकि आप ये देखिए कि इन्होंने पूरी कटिंग भी जो है ना बंद, अब मैं खोल रही हूँ आपकी पट्टी, ठीक है? ये देखिए ना जरा क्या किया है आपने और क्या नहीं किया। जरा हम ये खोल देते हैं, इस तरह खोल दूं। अच्छा जी, ये जरा फाड़ के हम उतारेंगे। ओके, जरा खड़ी हो ना, मैं जरा हेयर स्टाइल दिखाऊं लोगों को। वेरी नाइस यार, ये विदाउट, ये देखें जरा, ये देखें जरा, विदाउट लुकिंग बाल काटे हैं इन्होंने। सो डॉन ब्यूटी पार्लर आपसे किधर लोकेशन किधर है आपकी? टेंपल रोड, माल पे। So, माल पे है। ये देखें, ये है, इन्होंने ये बाल विदाउट लुकिंग कट किए और ये देखें, और ये हेयर स्टाइल भी विदाउट लुकिंग क्रिएट किया। मेरे ख्याल से ये तो अमेजिंग, हाउ ऑसम। नेक्स्ट अब हम क्या करने लगे हैं? एक और हेयर कट। यस, ईशा का। थैंक यू सो मच ईशा, थैंक यू। तो अब ईशा को बुला लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट अप जो हेयर कट होना है उनको बुला लेते हैं। पहले हमेशा का हेयर स्टाइल दिखा देते हैं जल्दी से। डिस्पोजेबल वाला आ जाओ बेटा, दूसरे वाला डिस्पोजेबल। ये तो फट गया, वो बैग में पड़ा। आ जाए बैठ जाओ। तो आपका हेयर, पहले आपके बाल दिखा देते हैं बेटी। हाँ जी। ओके, ओ लॉन्ग हेयर, माशाल्लाह ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। मास्क भी बेटे उतार लो अपना। हाँ, तो ये इनके बाल हैं और ये अब इनका हमने हेयर कट और हेयर स्टाइल करना है। आप स्टार्ट कर दें मैम, और आप लोग अपना काम स्टार्ट कर दें। हम अपनी तब तक गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, हम शॉर्ट्स दिखाते रहेंगे ब्रेक के, और बिल्कुल एंड में हम दिखाएंगे आपको इनका भी हेयर कट, वो भी ब्लाइंड हेयर कट, राइट? या वो आप करेंगी, यही करेंगी? हाँ। और ये हमारे साथ ओनर आ गई हैं, तो अब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। आज हम बैठ जाए चुप करके। अच्छा, स्टार्स भी अभी खत्म करने हैं, क्या गाना था जरा मेजबिन आ जाओ हमारे पास, आके बैठ जाओ और थोड़ा सा शाजिया को काबू में रखो। तुम्हारी ड्यूटी है इसको काबू में रखना, डोई साथ लेके आती मारने के लिए। अच्छा, जब तक सामने सार है मेरे स्टार का, जल्दी बता दो, इसने तुम कुछ करने नहीं देना। केप्रिकॉन की जो डेट्स हैं वो है December 22 to January 19। कैप्रिकॉन का बिजिएस्ट ईयर है ये वाला, हर साल ही होता है वैसे तो, वही कहने लगी थी। अच्छा, उसमें ये है कि थोड़ा सा एक और दो महीने, खासतौर पे सितंबर जो जुलाई जो आ रहा है और उसके बाद सितंबर जो आ रहा है, ये दो ट्रैवल, सॉरी हाँ जी, ये ट्रैवल के सीन आ रहे हैं, आपको पहले भी बताया था ट्रैवल हो रहा है सितंबर। चलो मैं छुट्टी ले लेती हूँ काम से, आप लोग जुलाई और सितंबर में मेरे लिए जरा मार्जिन रखिएगा। अच्छा, आगे इसमें आपको ट्रैवल का सीन आ रहा है और दूसरा ये है कि आपको भी इस वक्त प्रोजेक्ट्स ऑफर होंगे, लेकिन ये है कि प्रोजेक्ट्स फ्रूटफुल होंगे आपके लिए, चीज़ें इसके अलावा बहुत सारी हो जाएंगी और ऑलरेडी आपकी जो बाकी चीज़ें चल रही हैं, फाइनेंशियल कंसर्न्स बहुत अच्छे कैप्रिकॉन के हो जाएंगे। प्यार के बारे में, किसके बारे में? शादी हुई है मेरी, अब क्या प्यार होना है, शादी के बाद कौन सा प्यार होता है? वो कह रही है कि इतना प्यार होगा कि उनके वर्ल्ड टूर पे आप उनके पीछे जाएंगी ना? नहीं ना, मैं खुद ही जवाब दे रही हूँ तो हो गया, वो मैं भी वर्ल्ड टूर पे साथ में टोंग के दंदियां निकाल के पहुंच जाऊँ साथ। असद महविश है ना, तुम दोनों एक दूसरे पे टूंगे हुए होते हो ना, बेस्ट फ्रेंड्स, तुम लोग जाओ पार्टी करो साथ, मैं नहीं जाना तुम लोग के साथ। लेकिन ये है कि तंग बड़ा करते हैं, कैप्रिकॉन्स के फाइनेंशियल कंसर्न्स बड़े अच्छे हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, थोड़ा सा डोमेस्टिक इश्यूज़ में केयर करने की ज़रूरत है, बच्चों की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से हेल्थ के इश्यूज़ आ सकते हैं और वो वाला जो टाइम है वो थोड़ा सा, ये जो कमिंग मई और जून है, यहाँ पे थोड़ा सा सब कैप्रिकॉन्स को ख्याल करना पड़ेगा कि फैमिली में अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है, कोई भी हल्की फुल्की भी आपको नज़र आ रही है, उसको सीरियसली क्योर करवाना है, अपनी तबीयत को, अपनी भी फैमिली की भी। अच्छा, इन चीज़ों का। एक्वेरियन January 20 to February 18। एक्वेरियन को ये साल बड़ा न्यूट्रल साल है। अच्छा, मेरा नंबर नहीं बताया आपने फिर जनवरी। हाँ जी, आपका नंबर आपको जो सूट कर रहा है वो आपको वही 7 नंबर सूट कर रहा है और 1 नंबर आपको बड़ा सूट कर रहा है इसमें, क्योंकि आप नंबर 1। अच्छा, चले आगे बढ़ते हैं एक्वेरियंस की तरफ। एक्वेरियंस जो है वो इस वक्त थोड़ा सा अपना न्यूट्रल ईयर है उनका, अभी कोई फाइनेंशियल कंसर्न बेहतर होने के चांसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी हेक्टिक अपनी लाइफ गुजारने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ें कि जल्दी जल्दी कवर होंगी, लेकिन ऐसा होने का बिल्कुल चांसेस नहीं है। कोशिश करें, अगस्त सितंबर का इंतज़ार करें, वहाँ जाके चीज़ें पॉजिटिव होंगी और बेहतर हो जाएंगी। डन। और फाइनली एक्वेरियंस का नंबर, इनका नंबर ऑलमोस्ट बन रहा है 3 और 7। हाँ जी, पाइसिस लास्ट वन, February 19 to 20 मार्च। और पाइसिस के लिए ये है कि बड़ा अच्छा ईयर है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी 2-3 चीज़ें हैं कि इस वक्त जो कारोबार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो छोड़ने के बिल्कुल चांसेस में और इनको चेंज करना चाहिए। यहाँ पे उसमें नुकसान हो रहे हैं, जो वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर ठीक नहीं चल रहे, इनको जॉब स्विच करनी पड़ेगी या नया कारोबार स्टार्ट करना पड़ेगा। वो नहीं है पाइसिस, हम एक्वेरियन के करीब तो है ना, हाँ वो पाइसिस के करीब तो है ना, एरीज। हाँ, हाँ जी, पाइसिस के बाद एरीज आता है, पता है? हाँ। और नंबर इनको जो मोस्टली सूट कर रहा है वो 6 नंबर सूट कर रहा है और 2 नंबर सूट कर रहा है। हाँ, मैच भी आपका स्टार क्या है? लियो। अच्छा, आप भी ठीक ही है फैसल, और आपका एक ही स्टार साइन है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हमारा लास्ट सेगमेंट है, तो हमारे साथ रहिएगा। शाजिया का एक और सॉन्ग भी सुनना है, कुछ तोहफे तारीफ की भी बातें करनी है और फाइनल लुक दिखानी है बालों की। ब्रेक के बाद Welcome back from the break, viewers. What a beautiful song, Dil Mode De. It's amazing. Shazia Manjoor has yet again come up with a blockbuster hit, and मैं चाहूँगी कि आप लोग ऑनलाइन भी जाके देखें, व्यूज़ बढ़ाएँ, लाइक करें. It's crossed more than 5 million views, and we are very, very excited. को शाजिया तो है ही अपनी, मेरी बहुत ही प्यारी बहन है. So I'm a huge, huge, huge Shazia Manjoor fan. खैर, अब बात करते हैं रॉयल की वॉशिंग मशीन की. रॉयल की वॉशिंग मशीन, अनदर प्रोडक्ट दैट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ। शाजिया तो खैर इंसान है, ये प्रोडक्ट है। बात करना चाहूँगी रॉयल की वॉशिंग मशीन की, जिसकी सिंक लिड है, जेट स्ट्रीम है, वाटरफॉल है, लार्ज पल्सेटर है, एनर्जी सेवर यानी कि बिजली कम इस्तेमाल करता है, बहुत ही आसान टू यूज़, उसके साथ डबल प्लास्टिक बॉडी है, स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी एंड ड्यूरेबल मोटर। और सबसे अमेजिंग ये रॉयल की 6+1 ईयर्स की जो वारंटी है, ये एक अमेजिंग चीज़ है। किसी भी वॉशिंग मशीन की इस लेवल की वारंटी नहीं होती। अगर आपकी वॉशिंग मशीन रॉयल की ख़राब होती है तो घर आके ये आपकी मशीन को ठीक कर देते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है? ना आपको कोई टेंशन है, मतलब मशीन ठीक करने की प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, घर आके आपकी रॉयल की वॉशिंग मशीन जो है वो ठीक कर दी जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि इसके नॉब्स वेरी इजी टू यूज़। जो मॉडल है इस वॉशिंग मशीन का, जो हम चाहते हैं कि आप www.royalfans.com पे जाके ऑर्डर करें, RWM8012T जाइए और इसको ऑर्डर कीजिए। जब आप रॉयल फैंस की वेबसाइट पे जाएंगे www.royalfans.com पे, तो इसको ऑर्डर करने के साथ आपको फ्री वॉशिंग डिस्क भी मिलेंगी। और रफीक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काविश है। वैसे तो रॉयल के फैंस अमेजिंग हैं, साथ ज़िंदगी भर का इनकी टैग लाइन इसी वजह से है क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ टाइम गारंटी है इनके फ़ैन्स की। और इनके फ़ैन्स भी आप देखें, AC DC इन्वर्टर स्मार्ट सीरीज़ इनकी नई निकली है। जो नए अराइवल्स हैं उनमें बड़े खूबसूरत फ़ैन्स हैं। इनके मिस्ट फ़ैन्स की बात करें, पेडिस्टल फ़ैन्स की बात करें, ब्रैकेट फ़ैन्स की बात करें, सीलिंग फैन्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग प्रोडक्ट्स। और इनके रूम कूलर्स भी एब्सोल्युटली अमेजिंग है। सो ज़रूर रॉयल फैंस का इंतखाब करें और इस्तेमाल करने के बाद हमारे साथ अपनी फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने हेयर कट की तरफ, जो आंखें बंद करके किया गया है। अच्छा, डन, सा में सा आ गया, ओए ओके। और ये भी हम उतार देते हैं जल्दी से। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज ब्लाइंड हेयर कटिंग में हमारे साथ डॉन ब्यूटी पार्लर से जो ओनर हैं रुबीना शफीक, वो थी। शैला ने आज सारा काम किया है। शैला, वेल डन। इनके साथ सफ़ीना लतीफ़ और शाजिया लतीफ़, इनकी बहनों ने सपोर्ट की। बेटी इधर आ जाओ। और हमारी जो आज की मॉडल्स थी, प्यारी प्यारी सी, अब उनके ये आपके सामने हेयर कट हुए व्यूअर्स, आंखें बंद करके। पहले गुलाबी पट्टी थी, अब नीली पट्टी है। और अमेजिंग, यू गाइस लुक ग्रेट। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ईशा बेटा आपका भी, एंड बुशरा जी आपका भी। सैटिस्फाइड विद योर लुक? Satisfied with the look, so well done, high five, awesome, great job। अज़ीम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आज ज्वाइन करने का, सितारों का हाल बताने का, बहुत ही लजीज पकवान तैयार करने के लिए शेफ मेजबीन का भी शुक्रिया। शाजिया जे, आइए जे, हाँ जे, कुछ गाना बजाना भी हो जाए। दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया एंड दुआ में याद रखिएगा। शाजिया जी, अजय